लगाया है ये ऑलरेडी इन्होंने नॉर्थ साउथ लगाया है। जब भी जो पौधा टू पौधा डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर, नॉर्थ से साउथ। सिंपल सा दिमाग में रखो, जो लाइन बनानी है ना हमने वो नॉर्थ से साउथ, कंपास में जिस साइड को आएगा चाहे ऐसा आएगा चाहे ऐसा आएगा चाहे ऐसा आएगा, जैसा समझ भी आएगा उसको हमने नॉर्थ की साउथ की ओर पौधा टू पौधा, रो टू रो, इससे वेस्ट। अगर आप इधर ऊपर खेती कर रहे हैं इन पहाड़ों में तो खेत सिस्टम है उसमें कोई नॉर्थ साउथ ट्यूनिंग प्रैक्टिस अपनाना चाहते हैं, सिंगल लीडर सिस्टम जो ये बना है, मल्टी लीडर सिस्टम वो करना चाहते हैं, ओपन लीडर सिस्टम वो करना चाहते हैं। मल्टी लीडर में हम इन सबको टॉप करेंगे और इसको पैरेलल जाने देंगे ऐसे ऊपर, मतलब इसको बेंड नहीं करेंगे टूथपिक नहीं, और ये मल्टी लीडर बन जाएगा जो हमारे पुराने पौधे ऑलरेडी जैसे बड़ा पेड़ ऊपर मल्टी लीडर। ठीक है जी, सिंगल लीडर तो यही है, यहाँ से इसको मैं काट दूंगा, ये वाले टाइम जैसे करके ग्रो कराऊंगा ओपन लीडर सिस्टम। ओपन लीडर में यहाँ फिर धूप पड़ेगी अंदर से, रोल का क्या है सारा पौधा अगर बहुत दूर लगाते हैं तो मल्टी लीडर भी चल पड़ता है, मगर जब ये सघन खेती आ गई और क्वालिटी की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है, लाइट पेनिट्रेशन की बात हो रही है, लाइट हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, तो सिंगल लीडर सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। तो जब सिंगल लीडर सिस्टम में आप चलेंगे इसमें आप दो तरह की प्रैक्टिस करेंगे आएगी इसमें, एक आती है टॉल स्पिंडल, सुना होगा आपने खासतौर पर जो हाई डेंसिटी उन्होंने लगाई है नीचे को अरे परे को जो M9 पे लग रही है उस पर टॉल स्पिंडल चलेगा। टॉल स्पिंडल क्या होता है, ये जो पौधे की कैनोपी ऐसी है ना ये बनी हॉरिजॉन्टल उसमें ऐसे बनी, इसको बोला जाता है वर्टिकल एक्सेस, ये है वर्टिकल एक्सेस। इसमें क्या प्रैक्टिस आगे करेंगे वो बाद में बात। एक आता टॉल स्पिंडल, तो ये जो है ये वर्टिकल एक्सेस है, जैसे ये बिलो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी शाखा ये टॉल स्पिंडल, मतलब जहाँ से ये टहन उगी है इसकी टिप जब नीचे को चली जाएगी तो नाइट्रोजन का फ्लो रुकेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, भोजन बनेगा और ये बीमे में ग्रोथ रुकेगी और ये बीमे में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये होगी जी टॉल स्पिंडल। अब कौन सी विधि हमारे लिए बढ़िया है, अगर आप M9 रूटस्टॉक पे हाई डेंसिटी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए टॉल स्पिंडल ही चलेगी क्योंकि 3-3 फुट पे उस पे पौधे लगते हैं, मगर जब आप वर्टिकल एक्सेस में अच्छा डिस्टेंस में काम करना चाहते हैं और आप 2-3 पेटी का पेड़ बनाना चाहते तो आपको वर्टिकल एक्सेस वर्टिकल एक्सेस में एक तो ये चीज़ है कि जी जितनी यहाँ से इन्होंने शाखा फाड़ी है यहाँ से फाड़ते फाड़ते चले जाएंगे ऊपर, शुरुआती सालों में तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा मगर जब समय बीतेगा ना जी तो ये कहीं ना कहीं शेड दे देगा एक दूसरे पर, बहुत हो जाएगी ना टेंशन। तो अगर वर्टिकल एक्सेस में हमने बड़ा पेड़ बनाना है 2-3 पेटी का प्लान कर रहे हैं तो हमारे उसमें टायर सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो मिट्टी है हमारी यहाँ से ऊपर तक 2 से लेकर 2.5 फुट तक कोई भी शाखा नहीं होनी चाहिए, ये दिख रहा है आपको खाड़ी सी, जब भी काटा जाता है ना इस खाड़ी के ऐसे काटा जाता है जो आप बोल रहे थे ना कैंकर कैंकर निकलेगा, तो जो ये खाड़ी है इसके बाहर कोई भी शाखा नीचे नहीं रखी। अब क्या हो गया, नीचे का स्पेस खुल गया ना, शेड आएगी और ये लगभग 2-2.25 फुट के आसपास रखा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है ना वैसे ना जी थोड़ा सा जो ये 4 टहनियाँ ना जी इसमें एक ही कमी है कि इस साइड को कोई शाखा नहीं, अगर इक्वल जैसी होती तो ज़्यादा अच्छा था, और ऐसा भी नहीं कि अब ख़राब हो गया ना, 1-2-3-4 रख ली हमने, बड़े शौक से पाले थे। ठीक है जी, काट दिए गए, यहाँ से यहाँ के बीच एक स्पेस देना 1 फुट का 1.5 फुट का या बड़े पेड़ की प्लानिंग करें तो 2 फुट का, तो ये स्पेस देना। अब जो दूसरा ये फर्स्ट स्कैफोल्ड हो गया, ये दूसरा स्टेप आएगा, यहाँ भी आप लगभग 4 शाखाएं, फिर यहाँ पर ये गैप थोड़ा सा छोटा कर सकता है मतलब 1 फुट का, यहाँ जब आप 4 शाखाएं ले लेंगे ना इधर ले लेंगे ना ये वाले, ठीक है यहाँ जैसे, ठीक है यहाँ आ जाएगी आपकी 3 शाखाएं और एक तो है 3 हमारे पास, तो होगी 4, इसको ग्रो करा दो, 3 बनी है, 2-3
यहाँ इस बार इधर जैसे इसमें नोच दे, यहाँ जैसे ना तीन चार पाँच छः नोच दे दो, चेक करके चार टाइम यहाँ। ये बन गई फ्लोर वाइज घर की तरह, तो यहाँ बीच में क्या रहेगा खाली एरिया, और फूटिंग ले गए आप। और इस साल इसकी प्रूनिंग कैसी होगी, एक ग्रोथ का चौथा हिस्सा कर, छोटा काटूंगा ये मोटा हो जाएगा और इसके पैरलर आ जाएगा। लंबा कट इसलिए दिया कि ये और मोटा हो जाए, ये धीरे धीरे बढ़े, और अब इसमें बीमार बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कोई डाउट? ये तो अच्छी तरीके से बना है ना जी पेड़? बना हुआ है।